Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the next question. Show that the diagonals of a rectangle with vertices 0, 0, a, 0, a, b and 0, b bisect each other and are equal. See, यहाँ पर ये वर्टिसेस हैं, ये क्या बना रही हैं, रेक्टेंगल को फॉर्म कर रही हैं, तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं. नाउ यहां पर दिस इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट ए इज 0, 0 ले लेता हूं. पॉइंट बी इसे मैं 1, 0. स्टूडेंट यहां पर आप ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, एंड सी ए कॉमा बी एंड डी 0, b. तो ये मैंने ले लिए. नाउ अगर डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उनका मिड पॉइंट भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा मिड पॉइंट. जैसे यहां डीबी एंड एसी जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा. इफ डायगोनल्स एसी बाइसेक्ट डीबी, एसी डीबी को बाइसेक्ट करता है और डीबी एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, देन बोथ will have same midpoint. उनका क्या होगा, midpoint क्या होगा, same होगा. या equal होगा, आप दोनों लिख सकते हैं. तो मैं यहां पर DB और AC का midpoint निकालूंगा और देखूंगा क्या वो same है या नहीं है. अगर same होता है तो bisect करते हैं. So midpoint of AC, midpoint of AC निकाल लीजिए, यानी कि O होगा वो, that is 0 plus A, यानी X1 plus X2 by 2 and Y1 plus Y2 by 2 and 0 plus B by 2. Solve करेंगे तो कितना आएगा, 0 plus A upon 2 is A by 2 and 0 plus B is B, तो B by 2 आ गया. Similarly आप midpoint of DB या BD निकालिए. So midpoint of this DB, again midpoint formula लगाइए, this will become 0 plus A upon 2, comma, B plus 0 upon 2. तो यहां आप सॉल्व करेंगे A by 2 and B by 2. तो दोनों के मिड पॉइंट सेम है, इससे क्या पता लगता है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो बोथ मिड पॉइंट्स आर सेम, वो सेम है, देयरफॉर बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट उनका सेम है. नाउ स्टूडेंट अब हमें यह भी बताना है कि वो डायगोनल क्या है, इक्वली लेंथ है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे डायगोनल्स के लिए एंड देखेंगे क्या वो इक्वल इन लेंथ है या नहीं है. तो पहला डायगोनल एसी है, एसी में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, यानी ए माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर. यानी 0, 0 को मैंने क्या लिया है, x1, y1, पॉइंट C को एंड पॉइंट A को, दिस x2, y2, x2, y2 एंड पॉइंट A को x1, y1, जो कि 0, 0. नाउ a माइनस जीरो होल स्क्वायर इज a स्क्वायर एंड b माइनस जीरो होल स्क्वायर इज b स्क्वायर. सो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ सिमिलरली db निकालिए आप. सो db के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं d के कोऑर्डिनेट को x1, y1 लेते हैं एंड b के कोऑर्डिनेट को x2, y2 एज्यूम करते हैं एंड डिस्टेंस फार्मूला में रखते हैं, यानी x2 minus x1 a minus 0 होल स्क्वायर प्लस 0 minus b होल स्क्वायर. सो a minus 0 होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, 0 minus b इज minus b होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर. सो यहां हमने देखा बोथ डायगोनल क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, ऑल्सो ac इज इक्वल टू db, तो देयरफॉर बोथ डायगोनल्स इज also equal.